हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. और मैं हूँ निधि. सो दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आरव के लिए लंच, और लंच में इसको दूंगी मैं दलिया की खिचड़ी. तो दलिया की खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पर बराबर मात्रा में दाल और दलिया ले लिया है. दाल में मैंने धुली हुई मूंग दाल ली है, जो पीली आती है बिना छिलके वाली, और साथ में बराबर मात्रा में ही मैंने दलिया ले लिया है. उसके साथ मैं इसके अंदर वेजीज भी ऐड करूंगी. सो ये बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही क्विकली बनने वाला लंच है बच्चों के लिए स्पेशली, और बहुत ज़्यादा बच्चों को इसके अंदर न्यूट्रिशन मिलता है. तो यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया है, दाल और दलिया को, और इसको थोड़ा सा गीला करके मैं ऐसे छोड़ दूंगी. जस्ट लाइक हम राइस बनाते हैं उसी तरीके से मैं ये बना रही हूँ. तो ये थोड़ा सा नरम भी हो जाता है और सारी इम्प्योरिटीज भी धोने से निकल जाती हैं. सो मैंने इसको ऐसे गीला करके रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर कुकर को चढ़ाऊंगी, और उसके अंदर जो हम खिचड़ी बना रहे हैं उसके अंदर मैं यहाँ पर गाजर और चुकंदर को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है. ग्रेट या फिर आप चॉप कर सकते हो जितना बारीक, थोड़ा मोटा भी रख सकते हो एज पर योर चॉइस. और यहाँ पर टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर दिया है. अल्टीमेटली सारी चीजें गल जाने वाली हैं, बट मैंने वेजीज को बहुत ही बारीक तरीके से चॉप इसलिए किया है सो दैट कि सब चीज अच्छे से मशी हो जाए, गल जाए, और उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, और आरफ को खाने में कोई एफर्ट ना करना पड़े, बिकॉज उसकी थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है. और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी घी, और थोड़ा घी मैं पहले बनाने तड़के के टाइम पे अभी दे दूँगी, और थोड़ा घी जब मैं उसे सर्व करूँगी तब डालकर उसमें दूँगी, तो उसे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है. और मतलब थोड़ा सा कच्चा घी भी बच्चों को खिलाना चाहिए इसलिए. और गर्म हुए घी में मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग. ये जो डिश है ये मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि आरफ को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो ये लंच जो दलिया है वो उसको बहुत सारी एनर्जी भी देगा, और बहुत ज्यादा खाने में एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस थोड़ी सी गर्माहट भी बॉडी में प्रोवाइड कराएगा. हींग और जीरा जो है वो अच्छे से स्प्लैटर हो गया है, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये दलिया और दाल का जो मिक्सचर मैंने सोक करके रखा था, और इसको अच्छे से भून लूंगी. बहुत ज्यादा भूनने का काम मुझे इसमें नहीं करना है, मुझे जस्ट इसकी जो नमी है वो हटानी है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा इसके अंदर घी का जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज हो जाए, इस हिसाब से मुझे इसको भूनना है. आप चाहो तो बिना भूने भी उबाल सकते हो, मतलब आप बाद में तड़का दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर पहले तड़का दे रही हूँ और फिर उसके बाद जस्ट इसको खोल के खाने का काम रह जाएगा. तो बोथ द वेज आप ट्राई कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को इतना पता नहीं होता है कि फ्राई करके बनाया है या उबाल के बनाया है, तो इट डजेंट मैटर. कभी कभी ऐसे उबाल के और ऊपर से तड़का भी मैंने दिया है, तो वो भी यार आपको उतना ही पसंद आता है. तो एनीवेज अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी, फ्राई मतलब भून लूंगी, और ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर अच्छे से भून जाता है. उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें वेजीज ऐड कर रही हूँ, तो वेजीज में मैंने गाजर और चुकंदर जो लिया वो ही डालूंगी, एंड देन फिर इसमें टमाटर डालूंगी. आप इसमें आलू, प्याज, मटर, गोभी कुछ भी डाल सकते हो, बट क्योंकि गाजर और चुकंदर इतना सफिशियंट था और एक टमाटर भी मैंने डाल दिया था, तो इस बार मैं आलू नहीं डाल रही हूँ. और अगर कुछ वेजीज नहीं होती तो मैं आलू और प्याज टमाटर के साथ भी छोंक देती हूँ, तो भी बहुत अच्छा लगता है. सो यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया, इन सबको डाल के बस एक स्टर दूंगी मैं 1 मिनट जैसा, इसको थोड़ा सा फ्राई हो जाने दूंगी. बहुत ज्यादा फ्राई पे आपको कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट ऐसे मिक्स कर दूंगी. और ये देखिए आरफ भी आ गया है, और वो कुकर देख के उसको लगता है कि दाल बन रही है, और दाल उसका बहुत ही फेवरेट खाना है, तो मैं उसको वही सब बोल रही हूँ. और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, मसाले में तो कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ नमक ऐड करूंगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिर्ची ऐड करूंगी, लाल मिर्ची का जो पाउडर है वो बहुत थोड़ा सा डालूंगी, लेकिन स्किप मैं कभी नहीं करती हूँ, थोड़ी सी मिर्ची मैं हमेशा ही डालती हूँ जस्ट फॉर फ्लेवर. उतनी मिर्ची से बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ बच्चा जो है वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उस मिर्च के लिए यूज होता है, इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्ची डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा डाल करके, ताकि सारे मसाले जो बच्चा है मेरा वो मतलब थोड़ा सा यूज टू रहे, ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ही खाए नहीं. तो ऐसे में क्या होता है वो कहीं बाहर बार भी जाता है तो आराम से खा लेता है, मुझे दिक्कत नहीं होती है. तो बस ये चीज जो है वो हो गया, पूरा फ्राई वाई करने का सारा काम हो गया. अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी. सो नॉर्मल अगर आप अपने लिए दलिया बना रहे हो तो 1 कप में आपको 3 कप पानी डाल के 1 सीटी लगाना होता है, बट यहाँ क्योंकि मैंने आपको बताया मैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में इसको बनाऊंगी, तो रनी फॉर्म में बनाऊंगी, लिक्विड नहीं, रनी फॉर्म में मैं इसको बनाऊंगी. तो इसके अंदर मैंने डाला है 4 कप से थोड़ा सा ज्यादा ही पानी डाला, क्योंकि मेरे जो दलिया और दाल का मिक्सचर था वो 1 कप से थोड़ा सा कम था, बट पानी मैंने 4 कप के हिसाब से इसमें डाला है. और उसके बाद मैं इसे 2 सीटी लगा दूंगी, धीमी आंच पे रखकर मैं इसे 2 सीटी लगाऊंगी, और दलिया जो वो एकदम अच्छे से गल जाएगा, सारी वेजीज अच्छे से गल जाएंगी. और जब उसकी तबीयत खराब होती है, लाइक उसको कोल्ड होता है, कफ होता है, तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा च्यू नहीं कर पाते हैं बच्चे, निगलने में दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे इस टाइप का अगर आप फूड बना के उसको देंगे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो,
कोई भी व्यक्ति हो उसको आप ये फूड देंगे तो उसके लिए इजी रहता है खाने में भी, और वो फटाफट इस चीज़ को खा लेता है तो खाने का काम पूरा हो जाता है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आरब की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं दाल दलिया ही उसको बनाकर देती हूँ। तो अब यहाँ पर मेरी जो दाल दलिया है वो बनकर तैयार हो गई है, इसके अंदर वेजेस भी मैंने डाली हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ी सी ये लिक्विड है इसके अंदर, रनिंग कंसिस्टेंसी है इसकी, और जैसे ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है, ड्राई फॉर्म में ही हो जाता है। तो एनीवेज इतना गर्म तो खाएगा नहीं अरब, तो थोड़ा सा ठंडा करके मैं उसको खिलाऊंगी। और इसको मैं ना एक फ्लैट प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ हमेशा ही, उससे क्या होता है खाना जल्दी से ठंडा हो जाता है और बच्चे को आप अच्छे से इजी वे में खिला सकते हो, और उसको भी ऐसा फील होता है कि मम्मा पापा प्लेट में खाते हैं तो वो भी प्लेट में खा रहा है। सो मैं उसे प्लेट में यहाँ पर निकाल रही हूँ और निकाल के मैं उसको भी खिलाऊंगी, और वो आपको बताएगा कि इसका टेस्ट उसको कैसा लगा। कैसा बना बेटा? इधर देखो कैसा लग रहा है आपको? अरे बना। और खाओगे? तो अब हो चुकी है शाम, और शाम को हम लोग चाय वगैरह सब पी चुके हैं और स्नैक्स वगैरह जो भी खाना था वो सब हम लोग खा चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि आरफ सो के उठा था तो कंबल वगैरह उसने ओढ़ा था, तो मैं वही सब क्लीन करके और फिर हम बैठेंगे। और हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ गेम खेलेंगे, और आज मैं आरफ को एक नई टॉयज देने वाली हूँ, और ये बॉल उसको पापा ने दी है, ये टीटी की बॉल है, सो बहुत ही छोटी सी है और बहुत ज़्यादा बम्प भी करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रही है। तो ये बॉल ले लेके बहुत खुश एक्साइटेड हो रहा है, और अभी उसने कैमरा देख लिया तो ये वहाँ पर भी आकर मतलब बार बार दिखा रहा है कि देखो मेरे पास बॉल आ गई है। और मैंने उसे अभी बोला है कि आप अपना आईज ओपन मत करना, क्लोज करके रखना, तो मैं आपको सरप्राइज दूंगी। तो वो सरप्राइज के लिए यहाँ पर बैठा हुआ आईज क्लोज करके, और वो ये बॉक्स जो है ना ये मुझे एक्सप्लोरा बॉक्स ने भेजा था बहुत पहले, मैं इसका रिव्यू भी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखना। ये मतलब छोटे बच्चों के लिए 3-4 एज ग्रुप्स के अंदर ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। सो आरएफ के लिए ये मैंने 2-4 ईयर्स का लिया था, और इसके अंदर 5 इस तरीके के टास्क वाले गेम है, मतलब गेम कम एजुकेशन इस टाइप का ये है कॉन्सेप्ट इनका। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आरफ के मतलब का कौन सा वाला गेम होगा, क्योंकि चारों पांचों गेम जो है वो भी आरफ को इतने नहीं समझ में आते हैं। दिन मतलब 3+ ईयर्स के जो बच्चे हैं ना जिनको ABCD प्रॉपरली आती है, तो अभी आरफ को थोड़ा बहुत आता है, ऐसे प्रॉपर नहीं आता है कि मैं उसको पूरा गेम खिला सकूं। सो 2 गेम हम लोगों ने सॉर्ट आउट किए जो आरफ खेल सकता है फाइनली, और हम लोग यहाँ पर बैठ के सारे चेक कर रहे थे, आरफ भी खुश हो रहा था, सब चीज़ें बता रहा था कर रहा था। तो अब हम लोगों ने अपने 2 गेम जो है फाइनल कर लिए हैं कि कौन से हम खेल सकते हैं, और अब हम लोग इसको खेलेंगे। आरफ ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो मेरे साथ खेलने के बाद आरव अब अपने पापा के साथ खेलने लग गया था, तो मैं यहाँ पर डिनर बनाने आ गई हूँ, और डिनर में बनाऊंगी मैं ये हरे चने या फिर छोलिया जो भी आप इसे बोलते हो, इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी और आलू भी साथ में डालूंगी। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, टमाटर अदरक और मिर्ची इसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी और उससे ग्रेवी बनाऊंगी। प्याज मैं बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्याज डालने से थोड़ा सा रिच हो जाता है, और अभी हम लोग का एकदम लाइट खाने का मन था। वैसे मेरा प्लान था जब भी बनाऊंगी तो प्याज और लहसुन वगैरह डालूंगी, तो मैं वो स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पर ये हरा लहसुन जो मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी तब थोड़ा सा लहसुन बच गया था, वही वाला लहसुन जो है वो मैं पूरा इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ग्रीन गार्लिक जो होता है ना उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो बहुत हैवी नहीं लगता है। सो वो मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगी, और टमाटर अदरक मिर्ची, अदरक को मैं घिस करके डालूंगी, ग्रेटर के अंदर ग्रेट कर लूंगी, क्योंकि जो चॉपर है ना इसके अंदर अदरक बारीक नहीं होती है, और मुझे मुंह में डायरेक्ट अदरक का थोड़ा सा भी टुकड़ा आता है तो वो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, टेस्ट मेरा खराब हो जाता है। सो मैं या तो एकदम बारीक पीस के या फिर इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ही अदरक को यूज करती हूँ। पहले मैं इसको क्रश करके इसको चने का जो निमोना बनता है मैं वो बनाने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं उनको सॉलिड में खाना है, तो फिर चने को हमने इसी तरीके से बनाया। और टमाटर के बाद मैं ना इसमें थोड़ा सा चने जो है ये हरे चने इसको भी डाल करके थोड़ा सा ग्राइंड कर लूंगी, इससे सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी भी बनेगी और थोड़ा सा चना जो भुन जाएगा मसाले के साथ तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पर थोड़े से चने लेकर के उसको भी ग्राइंड कर ले रही हूँ।
तो सब्जी बनाने की सारी प्रिपरेशंस मैंने कर ली हैं और अब मैं सब्जी बनाने आ गई हूँ। कुकर के अंदर मैंने ये मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में चने की सब्जी या फिर मेथी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म हो जाने दें क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ना एक पंजेंट स्मेल होती है, तो वो जब अच्छे से तेल गर्म हो जाता है तब फिर वो चली जाती है, तब आपको खाना टेस्टी लगता है। अगर आपने हल्का ही गर्म हुआ तेल में डाल दिया ना सब्जी, तो आपकी सब्जी का टेस्ट ख़राब हो सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तेल गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर हींग और जीरा और थोड़ा सा मैं राई इसके अंदर डालूंगी। आप चाहो तो राई स्किप कर सकते हो, चाहो तो जीरा स्किप कर सकते हो, बट मैं दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी एंड देन फिर ये मसाला जो है वो मैं अपना भून लूँगी। तो ये मसाला ना आप थोड़ा चला चला करके ही भूनिएगा क्योंकि हमने इसमें चने को ग्राइंड किया है, सो वो थोड़ा सा चिपक सकता है। ऊपर से जो मेरा बर्तन है वो भी स्टील का है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नीचे से जले नहीं, पकड़े नहीं। और मैं इसमें साथ में ही थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची तो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी मैंने ग्राइंड कर लिया था, मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना चाहती हूँ। तो धनिया पाउडर डालूंगी और नमक मैं बाद में डालूंगी। तो धनिया पाउडर, हल्दी, ये दो चीज़ें मैं इसमें भून रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें बाद में डालूंगी गरम मसाला, अभी नहीं डालूंगी। और मीनवाइल मैं अपने आलू जो है उनको थोड़ा मोटा मोटा ही आपको काटना है क्योंकि ये सब कुछ कुकर में बॉयल होगा, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, अदरवाइज आलू पूरा गल जाएगा और उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था, इसलिए आपको साइड्स में बहुत ज़्यादा तेल नहीं दिख रहा होगा, बट मसाले भुन गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा तेल जो है वो छोड़ दिया मसालों ने। और अब मैं इसके अंदर आलू और चना दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी, पूरा कोट कर दूंगी मसाले को उसमें और एक दो मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी। और साथ में ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा ये गरम मसाला ऐड करूंगी। ये जो गरम मसाला है ये घर का बना हुआ है और घर के बने हुए गरम मसाले को जब आप सब्जी में डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा चेंज होता है अगर आप मार्केट वाला यूज करते हैं उससे। आप एक बार जरूर ट्राई करना। आई थिंक बहुत सारे लोग घर का बना हुआ गरम मसाला या डिफरेंट मसाले यूज करते हैं, बट मैंने ये कुछ टाइम पहले ही ये चीज नोटिस की कि पहले तो इतना मुझे कुकिंग का इतनी बारीकियां नहीं पता थी, बट करते करते चीज़ें जब एक्सपीरियंस आता है तब आप चीज़ें नोट करते हो। तो और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि आपको कहीं सिखाई नहीं जाती हैं, आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की कि घर का गरम मसाला जब आप यूज़ करते हो तो आपकी सब्जी में जो टेस्ट आता है वो एकदम ही अलग होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है या नहीं की है, आप क्या आपका ओपिनियन है वो मुझे आप कॉमेंट करके बताइएगा। तो अब हमारी जो सब्जी है वो भुन चुकी है, एक दो मिनट हो चुके हैं और मैं अच्छे से इसे स्टर कर दूंगी और इसके पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि आपको एकदम सूखी हुई सब्जी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके और कुकर की सीटी लगा सकते हो। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूंगी और बहुत ज़्यादा पतला मुझे नहीं चाहिए, मुझे गाढ़ा ही सब्जी चाहिए लेकिन थोड़ी सी उसमें लिक्विड चीज़ होनी चाहिए, इसलिए मैंने इतना पानी डाल करके और ढक्कन लगा के मैं इसे दो तीन सीटी, क्योंकि चने की सब्जी को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसे दो तीन सीटी तो कम से कम दे ही दीजिए। आप एक मतलब चार सीटी भी दे सकते हो, मैंने तीन सीटी में इसको बनाया था और सब्जी काफ़ी अच्छी बन गई थी। और अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, ये ग्रॉसरी का कुछ सामान लाना था तो शाम को हम लेकर आए थे, चाय पत्ती और आटा और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था तो इवनिंग में हम आटा लेकर आए थे, तो मैं सोची हूँ वो सारी चीज़ें मीनवाइल जब तक सब्जी बन रही है तब तक सब चीज़ों को मैं फिल कर लूँ, क्योंकि काम तो भाई इसी तरीके से करना पड़ता है, मल्टीटास्किंग आपको बनना ही पड़ता है। तो फटाफट से मैं ये सारी चीज़ें रिफिल कर लूँगी। और ये यहाँ पर फॉर्च्यून का आटा हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं, इसके पहले मैं आशीर्वाद का ही आटा अभी तक यूज़ किया है, बट फॉर्च्यून का आटा इस बार इसलिए आया क्योंकि आशीर्वाद वाला ख़त्म हो गया था और हमें आटे की सख्त ज़रूरत थी। तो ये आटा कैसा है पता नहीं, आप लोग मुझे बताना अगर आपने फॉर्च्यून का आटा यूज़ किया है तो कैसा रहता है, और मैं भी आपको बताऊँगी कुछ टाइम यूज़ करने के बाद कि आटा कैसा रहता है। तो यहाँ पर मैं आटा भी लगा लूंगी साथ के साथ में ही और बाकी की चीजों को मैं फिल करके रख दूंगी। सब्जी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है और मैंने साइड में धनिया भी थोड़ा सा चॉप कर लिया था। तो अब मैं आप देख सकते हो कि सब्जी कितनी अच्छे से बॉईल हो गई और कितने अच्छे से कुक हो गई है। मैं थोड़ा सा एक आध चने जो है वो मैश कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो धनिया मैंने चॉप किया है वो इसमें डाल दूंगी। और सब्जी की खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही थी और दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है।
तो भाई सब्जी तो तैयार हो चुकी है और खाने का टाइम भी हो चुका है, तो सब्जी को साइड में रखकर अब मैं यहाँ पर फटाफट से गर्मा गर्म चपातियां बना लूंगी। आटा भी मैंने पहले लगा ही लिया था। तो इसी तरीके से ये सब्जी गर्म गर्म खाने में बहुत अच्छी लगती है सर्दियों के मौसम में, और आप जो अपनी चपाती है उस पर अच्छे से घी लगा लो तो भाई खाने का क्या मजा ही है। तो हमने बस इसको इसी तरीके से खाया था, रोटी सब्जी और साथ में थोड़ा सा गुड़ लिया था हमने। खाने का बहुत ही अच्छा लगता, गुड़ और घी वाली रोटी तो बहुत ही अच्छी लगती है, और साथ में सलाद वगैरह भी खा सकते थे, बट बहुत ज्यादा किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने बस इसी सिंपल तरीके से खाया था। और मुझे और आरव को तो अच्छा लगा था, लेकिन आरव के पापा को थोड़ा सा कम अच्छा लगा था। बट ऐसे ही होता है, कभी अच्छी चीज बनती है और कभी हमारी पसंद की चीज नहीं बनती है, तो ऐसे ही चलता रहता है। और ऐसे ही हमारा आज का डिनर था। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ और भी आप देखना चाहते हो तो वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।